शायद ही आपको इस बात के बारे में मालूम होगा कि दुबई की किस्मत केवल 440 रुपए में ही बदल गई थी। 1937 में भारत की तरह ही ब्रिटिश दुबई पर भी राज किया करते थे और ब्रिटिशियन के राज करने की वजह से यहां पर केवल ब्रिटिशियन इंडियन करेंसी चलती थी। ब्रिटिशर्स को दुबई देश का लोकेशन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये देश एशिया, अफ्रीका और यूरोप इन तीनों महाद्वीपों के बीच में स्थित था। वहां का ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज दुबई के समुद्र में फ्लाइंग पोर्ट्स का बेस बनाना चाहते थे। इन सब फायदे को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने दुबई के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉन्ग रेंज एम्पायर फ्लाइंग वाले जो भी पार्ट्स होते थे वो यूके से सीधे दुबई में लैंड करते थे। दुबई में लैंड करने के बाद फिर से उनमें रिफिलिंग की जाती थी। रिफिलिंग करने के बाद इनको ब्रिटिश इंडिया और एशिया के कई सारे भागों में भेजा जाता था। दुबई के समुद्रों में बना जो बेस था उसके महीने का किराया केवल 440 रुपए था। ये केवल उस बेस का किराया ही नहीं बल्कि वहां पर जो भी काम कर रहे लोग थे उनका भी सैलरी इसी पैसे में होती थी। इस चीज के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था कि दुबई का ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में तब्दील हो जाएगा और यहाँ की जो एयरलाइंस होगी वो बहुत सारी बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों को भी टक्कर दे पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइंस को आखिर किस टाइम में बनाने का फैसला किया गया था और आखिर ये छोटे से देश से पैदा होने वाली एयरलाइंस दुनिया की पूरी दुनिया में बहुत कम टाइम में सबसे ज्यादा बड़ी, अच्छी और फेमस एयरलाइंस कैसे बन गई? 1950 में दुबई पर राज करने वाले प्रिंस शेख राशिद बिन अल मख्तूम ये जानते थे कि उनके देश में जितने भी ऑयल रिजर्व है वो केवल 30 से 40 साल तक ही चल पाएंगे। वो इस बात को लेकर काफी सोच विचार करने लगे। उनको जल्द से जल्द किसी भी काम से कम समय में अल्टरनेट सोर्स इनकम बनाना था। उन्होंने ब्रिटिशर्स के चाल को समझा और देखा कि दुबई के ब्रिटिशर्स दुबई की लोकेशन को इस्तेमाल करके अपने एयरलाइंस को ज्यादा काबिल बना रहे हैं और दुबई को इस काम के लिए केवल कुछ पैसे ही दे रहे हैं। यही सब देखकर दुबई के रूलर शेख राशिद बिन अल मख्तूम ने 1959 में दुबई के एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने का आदेश दे दिया। 1960 में दुबई एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। उस टाइम पर दुबई के एयरपोर्ट में केवल एक अपरान, एक छोटे से कमरे के जैसा दिखता टर्मिनल और एक रनवे बना हुआ था जो कि पक्का भी नहीं था। दुबई के एयरपोर्ट के रनवे को रेत को कंप्रेस करके बनाया गया था। इस रेत के रनवे पर केवल छोटे डगलस DC-3 जैसे एयरक्राफ्ट लैंड करने में सक्षम थे। 1965 में दुबई एयरपोर्ट के रनवे को पक्का बना दिया गया। उसके बाद इस पक्के रनवे पर लैंड करने वाला पहला एरोप्लेन मिडल ईस्ट एयरलाइंस का कॉमेट था। हर एक साल के गुजरते ही दुबई के शासक दुबई के एयरपोर्ट में लेटेस्ट फैसिलिटीज लॉन्च कर दिया करते थे। 1969 में दुबई के एयरपोर्ट में 9 एयरलाइंस काम करने लगी थी जो कि 20 जगहों पर जाती थी और 1980 में दुबई एयरपोर्ट पर एक इंटरनेशनल स्टॉप ऑफर की तरह पूरे विश्व में फैलने लगा। दुबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया, कैथे पैसिफिक, सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशिया एयरलाइंस जैसे एयरलाइंस दुबई के एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए रुकते थे। दुबई से पहले ये सब एयरलाइंस रिफ्यूलिंग के लिए पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकते थे और समय के साथ साथ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जितनी भी एयरलाइंस रुकती थी उनका सारा ध्यान अपनी तरफ कर लिया। उस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाने के लिए गल्फ एयर का इस्तेमाल किया जाता था जो कि बहरेन देश की एयरलाइंस है। पूरे मिडिल ईस्ट को अगर अच्छी एयरलाइंस लेनी होती थी तो वो पहले गल्फ एयरलाइंस के जरिए दुबई तक आते थे और फिर वहां से अपने इंटरनेशनल सफर का आनंद लेते थे। 1980 में दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम जो उस समय दुबई के डिफेंस मिनिस्टर थे, गल्फ एयरलाइंस ने दुबई के शेख के सामने एक ऑफर रखा और कहा कि वो अपने देश में सिर्फ ये घोषणा कर दें कि गल्फ एयरलाइंस दुबई की ऑफिशियल एयरलाइंस है। इस घोषणा से गल्फ एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स मिलना भी शुरू हो जाएंगी। इससे दुबई को भी काफी ज्यादा लाभ होगा और इसके बदले में दुबई को गल्फ एयरलाइंस के 50% टैक्स भी मिल जाएंगे। दुबई के शेख ने इस डील से इनकार कर दिया। गल्फ एयरलाइंस ने सोचा कि हम झूठ मूठ में मिडिल ईस्ट से पैसेंजर को लेकर दुबई में छोड़ते हैं और वो पैसेंजर किसी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में चले जाते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं होता है। हालांकि गल्फ एयरलाइंस ने दुबई के शेख से मना करने के बाद भी दुबई जाने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया। गल्फ एयरलाइंस का ये निर्णय दुबई के स्टॉक ओवर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगा। यही वो कीमती समय था जब दुबई के शेख ने एमिरेट्स एयरलाइंस को लॉन्च किया था। इस सपने को असलियत में बदलने का इरादा ये था कि पहले से ही एस्टैब्लिश्ड एयरलाइंस से दो दो हाथ करना जिसमें गल्फ एयरलाइंस जो कि उनका पहला अराइवल था। इसके अलावा भी ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरवेज, लफ्ट हैंसा एयर इंडिया और NM एयरवेज ये सब बड़े बड़े नाम थे जिसके सामने एमिरेट्स को टिकना था। एमिरेट्स एयरलाइंस का इनके सामने टिकना जितना आपको मुश्किल लग रहा है उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था उनके सामने टिकना। उस टाइम केवल एक बोइंग 737 एरोप्लेन की कीमत $25 मिलियन थी। इसके अलावा इसके काम करने वाले पायलट्स, क्रू मेंबर्स और हॉस्टेज को भी ट्रेन करना था, उसमें अलग से खर्चा लगता था। अगर कहा जाए कि दुबई उस समय में अपने एयरलाइंस पर 6 से 7 करोड़ डॉलर तक खर्च करता था तो कोई गलत नहीं होगा। और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी क्या मालूम कि ये एयरलाइंस बड़े एयरलाइंस के सामने टिक ही ना पाए। यहाँ पर दुबई शेख ने अपना दिमाग लगाया और पाकिस्तान देश से मदद मांगी। पाकिस्तान ने अपने इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA ने दुबई को 2 बोइंग 737 और 300 एरोप्लेन लीग में दे दिए, लेकिन इस बोइंग को एमिरेट्स एयरलाइंस के तौर पर रखा गया। हालांकि इसमें काम करने वाले पायलट, क्रू मेंबर और हॉस्टेज PIA ने ही अपने ओर से दे दिया था। इन प्लेन्स को तो एमिरेट्स के नाम पर ही चलाया जाता था लेकिन इसका पूरा मैनेजमेंट PIA करता था। इस सहयोग के लिए दुबई के शेख ने PIA को $1 करोड़ दिए, यानी कि जिस काम के लिए $7 करोड़ लगने वाले थे वो अब केवल 1 करोड़ में ही हो गया। एमिरेट्स की पहली फ्लाइट 25 अक्टूबर 1985
मेसी को दुबई से कराची तक ले जाई गई। कराची के बाद इस एमिरात्स ने मुंबई, दिल्ली, कोलंबो, ओमान और कैरो जैसे बड़े डेस्टिनेशंस को भी जोड़ लिया। एमिरात्स एयरलाइंस के पहले साल की शुरुआत में ही 260,000 लोगों ने आनंद पूर्वक सफर किया। दुबई के शेख ने जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था वो एमिरात्स एयरलाइंस से अब निकाल भी लिया। 1987 में जब एमिरात ने खुद भी एयरलाइंस खरीद ली तब उन्होंने PIA के दिए हुए एरोप्लेन को उन्हें वापस कर दिया। 1990 में जब गल्फ का वार छिड़ा हुआ था तब बहुत सारी एयरलाइंस ने मिडल ईस्ट के ऑपरेशन बंद कर दिए थे। वहीं एमिरात्स ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। गल्फ वार के आखिरी कुछ दिनों में अगर कोई एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि एमिरात्स ही थी। एमिरात्स ने ऐसे पैसेंजर को चूज किया जो कि नॉर्मल कॉम्पिटिटर एयरलाइन में जाना पसंद करते थे। एमिरात्स बहुत सारी सुविधाएं पैसेंजर को फ्री में देती थी जो कि कोई और एयरलाइन उस सुविधा के लिए अलग से चार्ज करता था, जैसे कि पर्सनल एंटरटेनमेंट सिस्टम, लग्जरी कैबिन और अच्छे डाइनिंग। इन्हीं सब कामों की वजह से आज एमिरात्स एकदम ऊंचाई पर पहुंच गया। एमिरात्स ने अपने कामयाबी को देखते हुए लॉयल पैसेंजर्स के लिए स्काई वार्ड प्रोग्राम लॉन्च किया। अब इंटरनेशनल पैसेंजर की वजह से दुबई फेमस हो गया और इसी कारण से भी एमिरात्स को ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं ये कहूँ कि एमिरात्स के चलते दुबई देश की आज इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है तो वो ऐसे वर्ल्ड में ज्यादा यूज होने वाली फ्लाइट रूट यूरोप तो साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अगर बात हो यूरोप ऑस्ट्रेलिया की तो एक दूसरे से 14,800 किलोमीटर दूर है। कोई भी एयरलाइंस इतना ज्यादा बड़ा डिस्टेंस एक बार में कवर नहीं कर पाएगी। इस एयरलाइंस को बीच में ही कहीं ना कहीं रुक कर रिफिलिंग तो करवाना ही पड़ेगा। इस रूट पर जाने वाली एयरलाइंस एमिरात्स एयरलाइंस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई में अपना हब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाए रखा है। वहीं जहां पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई भी दूसरी फ्लाइट को उतरने के लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है, वहीं एमिरात्स के फ्लाइट्स को लैंड करने पर कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है। एमिरात्स दुबई के पैसेंजर को दुबई में रोककर अपनी लागत नहीं बचाती है बल्कि पैसेंजर को भी अपने हिसाब से टिकट भी सेल करती है। इसी वजह से दुबई में भी पैसेंजर रुकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दिया जाए कि दुबई के पैसेंजर दुबई के एयरपोर्ट पर रुकते हैं वो दुबई में भी घूमने के लिए 1 या 2 दिन रुकते हैं। अगर एरोप्लेन का टैंक फुल कर दिया जाए तो एरोप्लेन को तेल की एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि अगर एरोप्लेन में ज्यादा तेल भरा जाएगा तो उसे एरोप्लेन को ज्यादा वेट कैरी करना पड़ेगा जिससे कि उनके इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ेगा जिसके कारण इंजन ज्यादा थ्रस्ट पैदा करने लगेंगे। इसकी वजह से ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है। एमिरात्स एयरलाइंस का बेस यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सीधे बीचों बीच में है। इसी कारण से एमिरात्स अपने प्लेन्स के टैंक को कभी भी फुल नहीं करते हैं। इससे इनको ज्यादा अच्छी फ्यूल एवरेज भी मिल जाती है। एमिरात्स वाले अपने पैसेंजर्स को दुबई एयरपोर्ट पर 1 घंटे रोककर अपने तेल की भी ज्यादा बचत कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरी एयरलाइंस की प्लेन दुबई में रुकने की कॉस्ट को बचाती है तो उन्हें अपने प्लेन में जबरदस्ती दुबई का एक्स्ट्रा तेल डलवाना पड़ता है। इससे इनकी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाती है। एमिरात्स की सक्सेस के पीछे न केवल उनकी सर्विस ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी है जो उन्होंने कई सालों तक दुनिया से छुपाए रखी थी। एयरबस A380 आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल जेट है। ये केवल एक बार में 850 पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कोई भी एयरलाइंस इस एयरबस A380 को यूज कर रहे हैं वो इस एरोप्लेन में लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। केवल एक ही एयरलाइंस ऐसी है जो एयरबस A380 से प्रॉफिट कमा पाती है और वो है एमिरात्स एयरलाइंस। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ एमिरात्स एयरलाइंस इस एयरबस A380 को प्रॉफिटेबल बनाती है। जो अब तक बात ये आती है कि आखिर एमिरात्स ऐसा क्या करती है जो बाकी दूसरी एयरलाइंस नहीं कर पाती है। ये राज एमिरात्स एयरलाइंस ने कई सालों तक किसी को नहीं बताया, लेकिन जब कोविड महामारी आई तब फ्रांस के मैं अपने एयरबस A380 को रिटायर करने का निश्चय लिया। इस अवसर को पाते हुए एमिरात्स के CEO ने कहा कि फ्रांस को 10 एयरबस A380 नहीं खरीदनी चाहिए थी क्योंकि इसमें यूनिट मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। एयरबस A380 एक बहुत ही बड़े एरोप्लेन है जो कि एक बार में बहुत ज्यादा पैसेंजर को कैरी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बारी आती है इस एरोप्लेन का मेंटेनेंस कॉस्ट। एमिरात्स के पास आज के टाइम में 119 एयरबस A380 है और वो भी एकदम सेम मॉडल के। 1995 में एमिरात्स ने यह निश्चय किया कि वो एक ही मॉडल के ज्यादा से ज्यादा प्लेन को खरीदेंगे। आज एक एयरबस A380 की कीमत $450 मिलियन रुपए है जो कि दुनिया का सबसे महंगा कमर्शियल एरोप्लेन है। एक साथ ज्यादा से ज्यादा जहाज खरीदने पर उस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट भी मिलता है। इसी वजह से एमिरात्स एयरलाइंस ने इन सभी एयरवेज को ज्यादा से ज्यादा जल्द खरीद लिया और उन्हें खरीदते समय यूनिट के हर एक यूनिट में डिस्काउंट मिलता है। एमिरात्स के पास इस समय 119 एयरबस A380 ही नहीं बल्कि 148 बोइंग 777 एरोप्लेन है। यहां तक कि एयरबस A380 के जितने भी यूनिट्स दुनिया में मौजूद है उनका 50% तो एमिरात्स के पास ही है। ये मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी पैसेंजर पर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की चौथी और 10 किलोमीटर के हिसाब से दुनिया की दूसरी एयरलाइन कहलाई जाती है। 1998 से लेकर आज के समय तक 4000 अरब पैसेंजर इस एयरलाइंस को यूज कर चुके हैं और इसी समय के दौरान एमिरात्स 3.5 करोड़ टन कार्गो भी डिलीवर कर चुका है। ये दुनिया की एक ऐसी एयरलाइन है जो कि अपने ही हिस्ट्री में कभी भी घाटे में नहीं देखी गई है। और देखा जाए तो हर साल उन्होंने 260 करोड़ दिरहम केवल एमिरात्स एयरलाइंस से कमाए हैं, यानी कि अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 5,900 करोड़ होते हैं। इन सभी सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को ही जाता है।